नमस्कार, आप फिर रफ्तार मीडिया के साथ, मैं हूं आकाश सरोज और झारखंड बिहार के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। रांची में टाटा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। रांची के कांके में ये अस्पताल तैयार हुआ है। इस अस्पताल में OPD के साथ फिलहाल 82 बेड की सुविधा होगी। आपको बता दें, इस अस्पताल का शिलान्यास रतन टाटा और तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 10 नवंबर 2018 को किया था। इस अस्पताल में अक्टूबर 2022 से ही OPD आरंभ हो गया था। यहां कैंसर के सभी टेस्ट और इलाज समेत रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी समेत अन्य सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल के आने से झारखंड को कैंसर से लड़ने में और आसानी होगी। कैंसर के बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर या दूसरे राज्यों का रुख करने वाले रांची के लोगों को इस अस्पताल से बड़ी राहत मिलेगी। एक सराहनीय प्रयास के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में हमारी सरकार एक सराहनीय प्रयास के साथ, बहुत आभार आपका, उपस्थित देवियों और सज्जनों। झारखंड प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देखते हुए आज टाटा समूह की तरफ से रांची में टाटा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है। महत्वपूर्ण दिन के लिए इस अस्पताल के उद्घाटन समारोह में हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, विधायिका दीपिका पांडे जी और टाटा समूह के वाइस चेयरमैन नोवेल टाटा जी। आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको जोहार करता हूं। काफी दिनों से, कहा जाए कि काफी वर्षों से कई छोटी बड़ी चीजें जोड़ती आई हैं, लेकिन जो कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सुविधा था इस प्रदेश में लगभग नहीं के बराबर था। और सरकार बनने के बाद से ही हम लोगों ने इस संदर्भ में लगातार प्रयास किया था और कई लोग जी ने लगातार स्वास्थ्य विभाग को जल्द से जल्द कैंसर ये अस्पताल चालू हो इसके लिए लगातार हम लोगों को कई बार समीक्षा किया, कई बार जो कमी खामी आ रही थी उसको दूर करने का निर्देश दिया। और मैं अपने साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि स्वास्थ्य की दिशा और दशा को कैसे समृद्ध और मजबूत किया जाए इसके लिए लगातार उनका सानिध्य प्राप्त है और हम सबों को काम करने में एक अलग से उत्सुकता और तत्परता मिलती है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे बैठी हमारी बहन महंगामा की विधायक दीपिका पांडे जी, हमारे टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन नोबल टाटा साहब, हमारे MD और हमारे अभिभावक स्वरूप नरेंद्र साहब, चाणक चौधरी, अरुण सिंह जी, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की दिशा और दशा मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज टाटा ट्रस्ट के द्वारा ये अस्पताल का निर्माण करना, मैं समझता हूं कि जमशेद जी नौशीरवान जी टाटा, जिन्हें हम जीवान देवता के रूप में पूछते हैं, मानते हैं, और उन्होंने ही सिटीजंस ऑफ रांची एंड झारखंड प्रेजेंट हियर टुडे, द टाटा ग्रुप एंड द पीपल ऑफ झारखंड हैव शेयर्ड अ स्पेशल बॉन्ड, वन दैट स्टार्टेड ओवर 100 इयर्स बैक विद द सेटिंग अप ऑफ टाटा स्टील बाय आवर फाउंडर।
Today is a moment of pride for us at the Tata Group, outcome of the unstinted support by the state government, and we hope to build on this cooperation between the government of Jharkhand and the Tata Group. The availability of good quality cancer care facilities in only a few urban centers has so far restricted access to quality care to our communities in far-flung areas. This has not only caused trauma by uprooting such patients during one of the most difficult times in their lives, but also greatly burdened a few cancer hospitals in large cities, making it impossible for them to address all patients' needs.